वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स एट कनक क्लासेज। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक मोबाइल ट्रिक जो कि व्हाट्सएप से रिलेटेड है उसको शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना पैंडमिक चल रहा है और इस समय यह ट्रिक बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, साथ ही साथ हर एक उस पर्सन के लिए फ़ायदेमंद है ये ट्रिक जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि इस समय जो डाटा है, डाटा मैं मोबाइल डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन डाटा का मतलब इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जनरली क्या होता है कि कोई हमारा फ्रेंड रिलेटिव या हमारे ऑफिस से या स्कूल से कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट PDF भेज दिया जाता है और सारा का सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती जहाँ पर हम इसको सेव कर सकें। और 2-4-5 दिन बाद क्या होता है कि हम लोगों को ये तो याद रहता है कि एक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आई थी, लेकिन वो क्या थी और कहाँ पर है, वो किसने मुझे भेजा था, ये हम लोगों को याद नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये ट्रिक उसी काम के लिए मैं बता रहा हूँ। आप सब में से कई लोग इस ट्रिक को जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। इसके लिए आपको करना ये है दोस्तों कि आपको सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है जिससे आप बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हैं और आप यूज भी करते हैं। तो पहला काम तो हमको ये करना है दोस्तों कि इसमें एक न्यू ग्रुप क्रिएट करना है हमको। न्यू ग्रुप में आप किसी फ्रेंड रिलेटिव जो भी आप जिसको सही समझते हो उसके साथ आप जो है एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर लीजिए किसी एक पर्सन को कनेक्ट करके। अब जब न्यू ग्रुप आप कनेक्ट करते हैं तो इसका नाम कुछ आपको ऐसा देना पड़ेगा जो कि बहुत ही आपको याद रहे, सिंपल भी दे सकते हैं, जैसे पर्सनल कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं, जैसा आपको नाम समझ में आए आप वो ग्रुप बना सकते हैं। अब ये ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप को क्रिएट करने के बाद आपका जो भी डाटा है जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या करेंगे इस ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका अब एक पर्सनल ग्रुप हो गया और जो भी इम्पॉर्टेंट डाटा होंगे आप इस ग्रुप में उसे शेयर कर देंगे, तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि यहाँ पर वो कलेक्टेड फॉर्म में रहेगा और आप इस ग्रुप को ओपन करके सिंपली उस जो है फाइल को आप देख सकते हैं। कोई भी डाटा आपका है या कुछ भी है आप इसको सिंपली यहाँ से फॉरवर्ड कर दीजिए। और देखिए फॉरवर्ड करने के बाद हमारी फाइल उसमें आ जाएगी। आप सब फॉरवर्ड करने का तरीका जानते हैं, तो देखिए फॉरवर्ड कर दीजिए यहाँ से। यहाँ पे शेयर में जाएंगे और अपने व्हाट्सएप में जो हमने ग्रुप बनाया पर्सनल ग्रुप उस ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे। अब शेयर करने के बाद हमारा यह डाटा हमारा यह इन्फॉर्मेशन उसमें इकट्ठा हो गया, एक जगह हो गया। अब हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको किसने भेजा था, चाहे वो हमारा स्कूल से रिलेटेड PDF हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑफिस का कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो या फिर हमारे फ्रेंड ने कोई इम्पोर्टेंट मैसेज भेजा है, वो ये सारी चीज़ें हम अपने इस ग्रुप में सिंपली रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के नए नए मोबाइल ट्रिक्स वाले मेरे वीडियोज आसानी से मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अब जैसे ये ग्रुप आप लोगों ने क्रिएट कर दिया तो इसमें से आप अब इस पर्सन को जिसको भी आपने कनेक्ट किया है इनको आप रिमूव कर दीजिए। अब रिमूव कर देने के बाद क्या होगा, ये ग्रुप बिल्कुल पर्सनली आपके द्वारा हैंडल किया जाएगा, इसमें कोई अदर मेंबर नहीं जुड़ा हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि दूसरे लोग इससे परेशान भी नहीं होंगे, आप कोई भी मैसेज इसमें फॉरवर्ड करते हैं तो इसमें वह पड़ा रहेगा और आप आसानी से इससे देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।